लेकिन बाबर आजम ने शुरू से लेके कुछ नहीं किया, वो कैप्टन पता नहीं किस काम का है, समझ नहीं आ रही मुझे। अच्छा इंडिया तो बड़ा खुश हो रहा है आज। वो तो जाहिर है वो तो खुश होगा, उसको तो चाहिए था कि पाकिस्तान अपने आप को बड़ा नुकसान किया है। वो दो कैच कोई 30 रन उनमें से हमारा नुकसान हुआ है। और ये बाबर आजम और ये रिजवान, मैं तो हैरान हो गया हूँ। बाबर आजम उसने कोई 8 इनिंग्स खेले और उसमें 2 दफे 30 रन बनाए। क्यों टूटा दिल? वो देखे इंडियन लड़की है, वो तो खुश है, वो कहते हैं जी पाकिस्तान इंडिया खुश होंगे। बड़ा अफसोस हुआ है यार, दोनों टीम भी है। उसकी वजह ये है कि एक तो देखे मुझे भी साइड की ग्रीन रंग का नया सूट सिलवाया कि जी पाकिस्तान का आज मैच है तो हम ग्रीन कलर पहन के जाएंगे, लेकिन कोई नहीं पार्ट ऑफ द गेम। हफीज भाई आपसे आगाज करते हैं जी, चैंपियन बनने के लिए क्या जरूरी है? देखिए प्री मैच में भी हमने बोला था कि द चैंपियंस आर नेवर स्मूथ सेलर्स, उन्होंने हार्डशिप करनी है, वो कभी इन छोटे छोटे एक्सक्यूजेस के ऊपर जो है जिंदगी नहीं गुजारते। साबित किया श्रीलंका ने दैट दे आर द रियल चैंपियंस। पाकिस्तान एक वन साइडेड मुकाबले में किस तरह से बाहर हुआ, किस तरह से श्रीलंका ने पाकिस्तान को धूल चटाई, अब भारत के अंदर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। यानी आप लोग रोना बंद कीजिए मेरे। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, यहाँ पर अफगानिस्तान का भी एक क्लिप है जिसमें आप देख सकते हो कि अफगानिस्तान में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान की हार पर, और उसके बाद है जफर हिलाली का रिएक्शन। जफर हिलाली का रिएक्शन ये मिड मैच के दौरान जब पाकिस्तान के 2 विकेट लगे हुए थे और एकदम से 3रा विकेट गिरा था, तो उस टाइम का है। और जफर हिलाली बोल रहा है कि बाबर आजम किस तरीके का खेल रहा है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक। फाइनल में मींदे लगा के रखे थे, आज कप आएगा ही आएगा, तो वो कप श्रीलंका लेके चले गए। स्टार्टिंग जितनी अच्छी थी, हमें लगा था कि पाकिस्तान लीड लेगा, बट पाकिस्तान से इस तरह की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मुझे यही था कि हम लोग इंशाल्लाह इस बार जीतेंगे। मैं 5 साल के बाद फाइनल में देखने आया, मैं इससे पहले क्रिकेट लवर नहीं था, और मुझे मेरा फिर दिल टूट गया, मैं इनके बाद क्रिकेट देखना ही नहीं है। 5 साल के बाद मैं क्रिकेट देखने के लिए आया था, मैंने पहले कभी क्रिकेट नहीं देखा, मुझे अपने पाकिस्तान क्रिकेटर्स के नाम तक नहीं पता। मैं अपने फ्रेंड्स के कहने पे आया, मुझे कहते यार आओ मैच बहुत अच्छा होगा, बट मुझे ये अच्छा मिला है। इस तरह के क्रिकेट खेलते हैं, इस तरह क्रिकेट खेलने से तो अच्छा खेले ही ना, अगर हार नहीं है तो खेलना क्यों है। और बाहर काफी रश था, अंदर आने के लिए काफी तगड़ो करनी पड़ी। हम बाहर गेट पे चढ़ रहे थे ऊपर, हमें पुलिस वाले अंदर नहीं आने दे रहे, फिर SHO की कॉल करवाई है भाई अंदर जाने दें, हम बड़े लवर हैं तो ये लव करने आए तो देखें हमारे साथ, ये हमारे हर चीज अब देखें, हमारे कुछ जज्बात नहीं हमारे साथ मिल रहे, हमारी जबान नहीं हमारे साथ साथ दे रही, अब क्या करें हम। पहले सर हम सेमीफाइनल हार गए, ट्रॉफी हमारे फिर नहीं है नाम आई, अब फाइनल में जाके हम जिसको कह सकते हैं लंका से हार गए, जाला कि हम फेवरेट टीम थी, पहले हम एक और मैच इनसे हारे, अब फाइनल हार गए, क्या किया क्या पाकिस्तान? समझ ही नहीं आई यार, यकीन करो अल्फाज ही नहीं है, किस तरह मैं बयान करूँ। मुझे आपके जिसको कहते हैं चेहरे से अंदाज़ा हो रहा है कि मतलब कि आपको कितना पेनफुल आपके लिए है, सबसे ज़्यादा दर्द ना क्या चीज़ थी, मतलब कि इससे बेहतर तो हम जाते ही ना फाइनल में। यार क्या कुछ रह ही नहीं गया बोलने को, टीम सारी कोलैप्स कर गई है, बॉलिंग पूरी हुई नहीं है, इंडिया को श्रीलंका को आप पीछे से देखते आ रहे हो, वो एक 185-189 चेस करके आ रही है। मुझे बताएं कि पिछली हार से हमने क्या सीखा, मतलब अभी एक दिन पहले इनसे हारे थे, हमने सीखा तो सीखा क्या? यार पाकिस्तान कुछ भी नहीं सीख सकता भाई, ये दुआओं पे चलने वाली टीम है, जब दुआ करते हैं जीत जाती है, जब नहीं करते तो हार जाती है। देखिए इस पर हमारा फाइनल मैच कोई खतरनाक मैच टीम के साथ तो मैच नहीं था ना, हम होता है इंडिया से हम कहते हैं यार खतरनाक है, हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, हमारा तो लंका के साथ मैच था। यार श्रीलंका हो इंडिया हो, टीम तो टीम है ना, फिर सामने वाली टीम को देखना है क्या है क्या नहीं, उसने अच्छी गेम खेली है, जीत गए, बेस्ट ऑफ लक है उनको, लव यू हो गया। बाबर आजम की कैप्टनसी आपको कैसी लगी? यार पूरे टूर्नामेंट में कोलैप्स कर गया, उससे परफॉर्मेंस ही नहीं हुई, फॉर्म में नहीं आया, विराट कोहली उधर 101 स्कोर 122 स्कोर अफगानिस्तान के खिलाफ कर रहा है, हमारी पूरी टीम 121 पे आउट हो रही है, समझ से बाहर है कि हो क्या रहा है मुल्क के साथ। बड़ा अफसोस हुआ है यार, दोनों टीमें IMF की मकरूज थी, पर एक जीत गई एक हार गई, अब यही हो सकता है। तो लोन मिल जाएगा, हमें मिलेगा, सानू तो वापस लै बस कुट कुट दीजिए, फिर यही हो सकता है, तकलीफ जिनी है। इस अप्रोच के साथ हम जाके वर्ल्ड कप जीत सकते हैं भाई, ना ही जान तो चंगा है, इत्थे रहो, क्यों जलील हो जा रहे हो, एवं टूर मारन जा रहे हो आस्ट्रेलिया का, इत्थे रहो भाई, ताडी मेहरबानी है। बड़ा दिल टूटा हुआ है,
अफसरदा है। और उसके बाद अगले दिन जो सूरत हाल होती है ना, जब आप टेलीविजन खोलें, जब आप रेडियो सुनें, हाईलाइट चल रही होती हैं, खबरें आ रही होती हैं, तज्जिए तबसरे, हमें भी ऑल दो तज्जिए तबसरे करने हैं, लेकिन उनको देखकर और ज्यादा अफसरदगी होती है और ज्यादा दिल टूटता है। आज समझ तो आ गई होगी ना हम किसकी बात कर रहे हैं। ऑफकोर्स लाइक इस वक्त हम बात करके आ सकते हैं, कल जो मैच हुआ है फाइनल एशिया कप पाकिस्तान श्रीलंका, वो क्या था, मतलब वो क्या था, वो अभी तक हम ना उसको डाइसेक्ट नहीं कर पाए। वी हैव नॉट बीन एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ व्हाट हैपेंड। पता है दुख ये हुआ एंड व्हाई के जीत कर एज इन कोशिश कर एफर्ट कर नजर आता कि हाँ यार कुछ हो रहा है यहाँ पे, वो करके हारते ना तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन लिटरली हाथ पैर फूले हुए थे, बहुत से सवाल आते हैं, मतलब एक सवालों की फहरिस्त मैं तो अपने जहन में बना के लाया। क्या सवाल लोग पूछते हैं पाकिस्तान मैच हार गया क्या फीलिंग है? ऑफ कोर्स फीलिंग अच्छी नहीं है, बेहतर परफॉर्म कर सकते थे और आप श्रीलंका की टीम से सीखे पहले मैच के बाद किस तरह उन्होंने कमबैक किया, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि श्रीलंका ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया। जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं थी श्रीलंका फ्रंट पे आया, 96 में जब श्रीलंका को जरूरत थी पाकिस्तान फ्रंट पे आया, तो उन्होंने हमेशा बड़ा एक कॉर्डियल रिलेशन हमारे साथ रखा, तो कोई बात नहीं, उनके लोग बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे, तो दे प्रोबेबली नीडेड समथिंग टू स्माइल। 5 विकेटें हो गई है, मैंने कहा था ना मैं मैच आज का देखने आऊंगा तो जीत हमारी होगी और हो गई, हो गई। 68 नीडेड फ्रॉम 26 बॉल्स और लोगों को शायद लग रहा होगा कि मैच हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। रिजवान खड़ा है और अभी उसमें छक्का मारा है। लाइफ इज ऑल अबाउट फाइटिंग टिल द एंड, आखिरी बॉल तक हम फाइट करेंगे और हम जीत सकते हैं। मैं कह रहा हूं जब जीत सकते हैं तो जीत सकते हैं। एशिया कप हमारा था, हमारा है और हमारा योगा। रिजवान भी खड़ा हुआ है और अब देखें 62 फ्रॉम 25 बॉल्स, ये मैच अभी भी हमारा है। हिम्मत नहीं हारनी, सब कुछ हार जाना लेकिन हिम्मत मत हारना। क्यों टूटा है दिल, वो देखे इंडियन लड़की है वो तो खुश है, वो कहते जी पाकिस्तान इंडिया भी खुश है जी, इंडिया खुश होंगे, इंडिया तो खुश होंगे, जाहिर हो गए थे। लेकिन बाकी आपको पता है कि हम क्रिकेट लवर है, हमारा जीना क्रिकेट है, हमारा भाई मरना क्रिकेट है। लड़की खड़ी हुई है उसकी टीम बाहर हो गई है, वो तो नहीं रो रही, वो उन्होंने मातम कर लिया पहले, उन्होंने मातम कर लिया, आज वो खुश हुए, आज खुश हुए ना, पिछले संडे खुश हुए थे। नहीं बाकी टीम लड़ के हारती मैं कभी ना रोता, टीम लड़ के हारती मैं कभी ना रोता, बिल्कुल मेरी टीम लड़ी नहीं है और कमजोर टीम के सामने घुटने टेक। एक मिनट आपको अच्छा लग रहा है? बाकी साहब हमारी ख्वाहिश थी पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो, बाकी साहब हमारी ख्वाहिश थी पाकिस्तान। मैं तो मुश्किल से बंदा इतना उदास है, मुझे समझ नहीं आ रही यार, ये 20 ओवर की गेम है, इसमें जो बेस्ट डे करता है वही जीत जाता है। आखिरी बात आखिरी भाई तुम्हें बताया हम कितने मुश्किल वजन में यहाँ तक पहुँचते, टीम लड़के आ रहे, इंडिया लड़की हंस रही है, टीम लड़के आ रहे लग रहा है। हम दुश्मन को भी पकीजा सजा देते हैं, उठाते नहीं हाथ पोस्ट नजरों से गिरा देते, गिरे हुए लोगों की बात ना करो। बाकरी आज दिल पे असर हुआ है, कभी नहीं होया वर्ल्ड कप में, कभी नहीं होया। अगर इंडिया सामने होता मैं मर जाता, मैं कभी नहीं होता। श्रीलंका से तो मार गए हो इंशाल्लाह चाचा, बगैर तूफान की लेके हम जाएंगे यहाँ वर्ल्ड कप की बात बाद में है। जिम्मेदार कौन है? बाबर आजम। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है कि क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं, और पाकिस्तान के उसके बाद ये एशिया कप के लिए बड़े एक्साइटेड थे, और एशिया कप में पाकिस्तान की टीम, मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान की टीम उतना अच्छा नहीं खेली, भारत की टीम भी उतना अच्छा नहीं खेली जिस दर्जे की ये दोनों टीम है। ये दोनों टीम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, भारत तो बिल्कुल नहीं खेली, पाकिस्तान का तो ये रहता है कि ये लोग फंसते ही हैं, इनकी आदत है ये लोग फंसते हैं, ये लोग फंस फंस के ही मैच जीतते हैं, चाहे आप इनके पुराने मैचेस देखें ये फंस फंस के ही जीतते हैं। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका ने पहला मैच अपना खेला था बांग्लादेश के खिलाफ, सॉरी अफगानिस्तान के खिलाफ, जो वो हारे बांग्लादेश के मैच के पहले काफ़ी इनकी बोलचाल दोनों तरफ से हो रही थी, उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने एक जबरदस्त मैच जीता। बांग्लादेश के मैच जीतने के बाद आपने देखा होगा क्या सीन हुआ, फिर उन्होंने भारत को हराया, अफगानिस्तान को हराया, भारत को हराया, पाकिस्तान को हराया लीग मैच सुपर फोर मुकाबले में, और फिर पाकिस्तान को फाइनल में हराया। कल के मैच की अगर सबसे बड़ी हाइलाइट्स है तो वो है हसरंगा ही है, मतलब जो टर्निंग पॉइंट। 58 पे 5 विकेट गिरे हुए हैं, हसरंगा आता है
37 रन मार जाता है ऑलमोस्ट 150 के स्ट्राइक रेट से और पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। 15 ओवर में पाकिस्तान को मतलब 58 पे 5 होने के बाद 15 ओवर में पाकिस्तान को 116 रन श्रीलंका बना देती है, हसरंगा आउट। अब उस टाइम पे मैंने क्या सोचा था, अगर ये यहाँ से 30 बॉल में 35 रन भी जोड़ लेते हैं, 160 रन भी बना लेते हैं तो पाकिस्तान मैच में गया, जीत गया। 160 नहीं चेस कर पाएगी पाकिस्तान फाइनल का प्रेशर, और 160 की जगह 170 बना दिए। उसके बाद हुआ क्या, पहला ओवर आप देख सकते हो कैसा श्रीलंका के नए बॉलर ने डाला, हालांकि बॉलर वो अच्छा था बट नया है, वाइड फेंक दी। उसके बाद उसको कंटिन्यू 3 मधुसंका नाम था उसका, 3 ओवर करवा दिए शनाका ने, और शनाका ने पता था कि ये बॉलिंग अच्छी कर रहा है और उसने अच्छी बॉलिंग की। फिर हुआ क्या भैया, वो रिजवान बाबर का, तो बाबर का अभी बैड लक चालू है, बाबर के साथ वही हो रहा है जो विराट कोहली के साथ 2-3 साल से हो रहा था, क्या सॉफ्ट डिसमिसल, यहाँ वहाँ से गलत एरिया से आउट हो रहा है। फॉर्म बाबर अच्छा प्लेयर है नो डाउट, बट T20 में मुझे बाबर आजम या रिजवान दोनों वैसे प्लेयर नहीं लगते जैसे कि कभी 200 का टारगेट आ जाए, और ये दोनों ऐसे प्लेयर नहीं लगते कि ये चेस कर पाएंगे, 150-160 तक चेस कर सकते हैं। कल हुआ क्या, कल बाबर रिजवान के साथ जो इब्तिकार था वो भी स्लो खेल रहा था, और पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बिल्कुल वीक है। और आप देख सकते हो अब रिजवान ने कितना घटिया खेला, इतना कम स्ट्राइक रेट, तो मैच तो हारना ही था। आपको क्या कहना इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय चैनल को।